क्वेश्चन है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए बी एंड बी इन द गिवन फिगर। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है ए और बी के बीच, ये यहाँ पे क्या है बी पॉइंट। तो इसमें हमें सीधा सीधा दिख रहा है ये दोनों क्या है सीरीज में, ये दोनों आपस में क्या है सीरीज में, ये दोनों आपस में क्या है सीरीज में, एंड ये दोनों आपस में क्या है पैरेलल में, और फिर ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे पैरेलल में, और फिर इसके साथ क्या हो जाएगी ये सीरीज में, फिर इसके साथ क्या आ जाएंगे सीरीज में, फिर ये आपस में क्या हो जाएंगे सीरीज में। तो हम डायग्राम बनाए तो हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे ए पॉइंट है और यहाँ पे क्या है बी पॉइंट। इन दोनों का सी इफेक्टिव अगर हम निकालें तो 1/C इफेक्टिव क्या आ जाएगा 1/2 + 1/3। 6 हमने क्या ले लिया एलसीएम ले लिया, तो 3 + 2 हमारे पास क्या हो गया 5/C, तो सी इफेक्टिव क्या हो गया हमारे पास 6/5। तो इन दोनों को हटा के हम क्या लगा सकते हैं 6/5, और ये दोनों आपस में पैरेलल में, तो इनका सी इफेक्टिव क्या था C1 + C2, यानी कि इन दोनों का सी इफेक्टिव क्या आ जाएगा हमारे पास 8 माइक्रोफेरेड। इन दोनों का क्या आ जाएगा हमारे पास 8 माइक्रोफेरेड, तो इनको हटा के हम क्या लगा सकते हैं 8 माइक्रोफेरेड। इन दोनों का सी इफेक्टिव क्या आ जाएगा, इन दोनों का निकाले तो C1 + C2, यानी कि पैरेलल में है तो पैरेलल में सी इफेक्टिव होता है C1 + C2, और सीरीज में होता है 1/C1 + 1/C2, तो 4 + 4 यानी कि 8 माइक्रोफेरेड आ गया इन दोनों का। अब ये दोनों सेम है तो इसका भी सी इफेक्टिव क्या आ जाएगा, यहाँ बी पॉइंट है तो इसका भी सी इफेक्टिव आ गया हमारे पास 6/5। अब ये दोनों आपस में पैरेलल है तो इनको हटा के हम एक लगा सकते हैं, इनको हटा के हम क्या लगा सकते हैं 3/5 हो जाएगा इनको हटा के। तो अब हमारे पास क्या बन गया, ए पॉइंट यहाँ है और बी पॉइंट यहाँ है, तो इसमें हमारे पास यहाँ क्या लगा हुआ 8 माइक्रोफेरेड, और यहाँ पे हमारे पास एक आ जाएगा वो कितना 3/5 का, हम एक लगा सकते हैं क्योंकि दोनों आपस में क्या आ रहे हैं पैरेलल में, तो इनका क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा। देन वैसे भी ये तीनों क्या है सीरीज में है, सॉरी ये तीनों आपस में क्या है अब सीरीज में हो गए, तो ये दोनों को हटा के हम क्या लगा सकते हैं हाफ लगा सकते हैं 3/5, या इन दोनों का हम निकाले सीरीज में तो ये कितना जाएगा 6/5, यानी कि 5/6 + 5/6। तो इन दोनों का जो अगर हम सी इफेक्टिव निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3/5 आ जाएगा, तो सी इफेक्टिव क्या आ जाएगा हमारे पास 3/5 इन दोनों का। 1/C इफेक्टिव करेंगे तो 6/5 के उल्टा हो जाएगा 5/6, और इन दोनों का जो सी इफेक्टिव आ जाएगा वो क्या आ जाएगा हमारे पास 3/5, और 3/5 और 8 क्या है सीरीज में, तो हमारे पास सी इफेक्टिव क्या आ जाएगा 1/C, या सी इफेक्टिव हम लिखे तो क्या आ जाएगा 3/5 इंटू में 8 / 3/5 प्लस 8 जा जाएगा हमारे पास 3/5 इंटू 8 / 3/5 इंटू में 24/5 एंड 43/5, 5 से 5 क्या हो गया कैंसिल, तो हमारे पास सी इफेक्टिव क्या हो गया 24/43। दिस इज द आंसर। ओके ये क्या आ गया हमारे पास 24/43, दिस इज द आंसर। ये तीनों आपस में क्या है सीरीज में है, अम्ले हमने इन दोनों का निकाल लिया तो ये क्या हो जाएगा निकाल हाफ हो जाएगा सीरीज में, इसलिए क्या हो जाएगा हाफ, तो 3/5 इन दोनों को हटा के 3/5 लगा दिया और 8 अब इसके साथ क्या कर दिया सीरीज में, तो आंसर क्या हो गया 24/43।